तो दोस्तों, बहुत से लोगों का क्वेश्चन था कि ये पीओए फॉर्म क्या होता है। ये होता है पावर ऑफ अटर्नी फॉर्म। पावर ऑफ अटर्नी जो है वो कंपलसरी नहीं है आपको देने के लिए किसी ब्रोकर को। आपको पता होगा, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, आप पीओए फॉर्म ब्रोकर को दें या ना दें। अगर आप ट्रेडर हैं या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको पीओए फॉर्म जो है आपको अपने ब्रोकर को सेंड कर देना है। इसमें होता क्या है, जब तक अगर आप कुछ बाई करते हैं, जब तक आपका बाइंग स्टॉक्स जो है आपके डिलीवरी में नहीं आता, आपके डीमेट में नहीं आता, तब तक आप बेच नहीं सकते। मान लो आपने रिलायंस अभी बाई किया, एक घंटे बाद वो 10% अपसाइड हो गया, आपको सेल करना है, तो उस समय क्या होगा, जब तक वो रिलायंस जो है T+2 वर्किंग डेज के बाद आपके डीमेट अकाउंट में नहीं आता है, तब तक आप सेल नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम है। मान लो T+2 डेज के पास आपके डीमेट में आता है और वो नीचे चला जाता है, तो आपको फिर लॉस हो सकता है। तो अगर आप ट्रेडर मेंटेलिटी के हैं या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आप पीओए जो है आप सेंड कर दें अपने ब्रोकर को। इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, वो इसका मिस यूज नहीं करेंगे। इसमें होता क्या है, आप जो ट्रेड एंड कॉल करते हो या फिर आप जो प्लेटफॉर्म से बाइंग एंड सेलिंग का ऑर्डर प्लेस करते हो, सेलिंग का मेनली सेलिंग का ऑर्डर प्लेस करते हो, तो उस समय क्या होता है, पीओए कंपलसरी है। नहीं तो आपको क्या होगा, हर बार एक ओटीपी जनरेट करना होगा डीमेट में आपके स्टॉक्स आने के बाद, तो उस ओटीपी को आपको वहां पुट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका स्टॉक्स जो है वो सेल हो पाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। और आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आपके लिए पीओए है। अगर आप बाई करके 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद बेचना है, तो आपको पीओए की कोई जरूरत नहीं है। आप पीओए सेंड मत करो, ये कंपलसरी भी नहीं है, ब्रोकर मांगते भी नहीं है। तो आप ये कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके हिसाब से आप पीओए सेंड करना। पीओए सेंड करने के लिए क्या होता है, पहले आप अपना अकाउंट ओपन होने दो, उसके बाद यहाँ पे अपना नाम लिख देना, मिस्टर या फिर मिसेज जो भी है, यहाँ पे ना अपना नाम लिख देना। सेकंड होल्डर थर्ड होल्डर छोड़ देना। अगर आप ज्वाइंट होल्डर हो तो यहाँ पे आपको फर्स्ट होल्डर सेकंड होल्डर थर्ड होल्डर का नाम लिखना जरूरी है। और आप इंडिविजुअल हो तो फर्स्ट होल्डर का नाम लिख देना। यहाँ पे अपना क्लाइंट आईडी लिख देना, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके नीचे चले आओ, यहाँ पे आपको एक साइन करना है, यहाँ पे आपको एक साइन करना है, यहाँ पे आपको एक साइन करना है। तीनों साइन करके ये तीन पेज जो है आपको इस एड्रेस पे भेज देना है मुंबई। समझ गए, ये ऑफिस यूज के लिए, यहाँ पे आप साइन ना करें। आप साइन तीन ही बॉक्स में करें, 18, 19, 20, आपको जो दिख रहा है 18, 19 और 20, और ऊपर अपना नाम और कस्टमर आईडी लिख दें और इस एड्रेस पर भेज दें। आपका जो पीओ है अपडेट हो जाएगा आपके ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट के साथ। उसके बाद जो है आप फ्रीली स्मूथली जो है ट्रेड कर सकते हो, किसी बिना रिस्ट्रिक्शन के। ये सेबी रूल है, इसलिए आपको ऐसा करना पड़ेगा।